अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में वेनिस, स्विट्जरलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। इन लोगों ने अपने टाइम पे बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स का निर्माण किया था, पर इन बिल्डिंग्स के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस रखता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। सबसे बड़ा राज ये है कि इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैसे बिल्ड कर लिया। क्या इन स्ट्रक्चर्स को इन लोगों ने अकेले ही बनाया है, या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स ये मास्टरपीस हैं और ये दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, इसका वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। आजकल की मॉडर्न क्रेन्स यूजुअली 20,000 किलोग्राम से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो इजिप्शियंस आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिए? 4000 साल पहले वो 70,000 किलोस को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे, वो भी बिना किसी एडवांस्ड मशीनरी के? इसका एक जवाब है जो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में आसमान के कॉन्स्टेलेशन के साथ अलाइन करता है। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट, और इसके तीन मेन तारे हैं जिनका नाम है एलनाइटक, एलनाइलम और मिनटाका। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं, जिसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल से पिरामिड्स को इन्होंने बनाया, और ये एलियंस इन्हीं तारों में से आए थे। पिरामिड्स को इंसानों ने बनाया या एलियंस ने, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो श्योर है कि पिरामिड्स और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि एलियंस उन्हीं तीन तारों में रहते थे और पिरामिड्स लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शंस को दिखाने के लिए बनाया था, तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरा हुआ है, और इनके अंदर के टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड्स में जगह जगह पे टनल्स बने हुए हैं, और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, ताकि अंदर हवा घुस सके। पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया। रोबोट ने कैमरे से ये देखा कि ये तो असल में बंद है, और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड्स के अगर सारे चेम्बर्स की बात करें, तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चेम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है बेस चेम्बर, और ये है क्वींस चेम्बर, और सबसे ऊपर है किंग्स चेम्बर। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे, तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर आप राइट वाले इस पार्ट से एंटर करोगे, तब भी आप तीनों चेम्बर्स को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें कोई भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चेम्बर्स, मतलब इसके अंदर और कितने चेम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता है। और ये भी माना गया है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग की बॉडी को इस चेम्बर में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया, तब उनकी आत्मा आसमान के इन तारों की तरफ जाएगी। इसे पिरामिड की स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस क्वींस चेम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया, तब ये देखने को मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई इसके अंदर जाए,
और इसकी डिस्कवरी के बाद ऐसे बहुत सारी थ्योरी सामने आई हैं, जो ये कहती हैं कि इसके अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चेंबर मौजूद है। पर जब एक नए एडवांस टूल के जरिए इस बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटे से कैमरा को भेजा गया, तो उस कैमरे ने ये फोटो को खींचा और इसके अंदर जाने से पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। उसके बाद से वहां की गवर्नमेंट ने फिर कभी किसी को अलाउ ही नहीं किया इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी ऐसी कई टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं की गई हैं। आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए? कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों की कब्र के पर्पस से बनाए गए थे। मम्मी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जो लोग राजा रानी की कब्र वाली बात को मानते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा रानियों के शरीर को ममीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को ममी बनाकर उसे कब्र में रखा जाता था। मरी हुई बॉडी को लाइनन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछें कि आज तक कितने ममीज पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है जीरो। जी हाँ, आज तक एक भी ममी पिरामिड में नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टूम बिल्कुल ही खाली थे। क्वींस चेंबर में ना तो क्वीन का ममी पाया गया और किंग्स चेंबर में ना किंग का ममी पाया गया। तो इन सब को देखकर थ्योरिस्ट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाए गए थे, मे बी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। और इन्हीं सब के चलते ज्यादातर थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि ये किसी एलियन के पर्पस के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के मैप को अगर आप लो और अगर सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर ये पिरामिड्स हैं। इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकालें तो वो सीधा नॉर्थ पोल से जाकर मिलेगा। बस कुछ किलोमीटर्स का ही फर्क आएगा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंडमास जो था उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़े से हिल गए हैं, इसलिए जो कि कुछ किलोमीटर्स का फर्क है वो सालों से धरती का स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुआ है, जो कि नेचुरली होता रहता है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले ये परफेक्टली अलाइंड थे नॉर्थ पोल की तरफ। पिरामिड स्टोन्स। क्या आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी नॉर्मल पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत हैं? साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता कि एग्जैक्टली ये हैं क्या। ये पत्थर लाइमस्टोन की तरह हैं, पर लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट ऐसे पत्थर धरती पे और कहीं भी नहीं पाए हैं। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहां चलती रहती हैं। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि धरती का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले का नेचुरल एसी यानी कि एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। नेचुरल एसी के साथ साथ पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि ये जिस तरीके से बने हुए हैं उससे ये अर्थक्वेक को भी झेल सकते हैं। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। एलियन ड्रॉइंग्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगह है उन सब में आपको इस तरीके की ड्रॉइंग्स देखने को मिलेंगी। इस ड्रॉइंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी एरोप्लेन की ड्रॉइंग है, और कई जगहों पर लिटरली ऐसी ऐसी कार्विंग्स बनी हुई हैं जिनमें आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़ा सिर है और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखिए, ये एकदम एक मॉडर्न एलियन यूएफओ की डिपिक्शन है जो पिरामिड में 4000 साल पहले बनाई गई थी। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी होना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, एलियन ड्रॉइंग्स, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है?
वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, और अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में जानना है तो अपनी स्क्रीन पर आए वीडियो को क्लिक करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।